नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और वक्त हो गया है फटाफट खबरों का। रतलाम दौरे के दौरान सीएम शिवराज ने पानी की समस्या को दूर करने को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसमें उन्होंने कहा कि रतलाम शहर में नर्मदा का जल लाया जाएगा। सीएम ने साथ ही कहा कि गर्मी में पेयजल की समस्या आती है, नर्मदा नदी का पानी बदनावर तक आ रहा है, रतलाम तक इसे लेकर आऊंगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज रतलाम जिले में हो रहे विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने के लिए शहर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने 898 करोड़ से ज्यादा की लागत के 80 निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और 476 करोड़ से ज्यादा की लागत के 53 कार्यों का लोकार्पण किया। साथ ही सीएम शिवराज ने मंच को संबोधित करते हुए एक गीत भी गाया, जिसे सुन वहां मौजूद लोग झूमने को मजबूर हो गए। भोपाल में विकास कार्यों के दौरे पर गए विधायक रामेश्वर शर्मा की एक भावुक तस्वीर सामने आई है। दौरे के दौरान सड़क पर नंगे पैरों चल रही बुजुर्ग महिला को अपने हाथों से उन्होंने चप्पल पहनाई। बता दें कि विधायक रामेश्वर शर्मा लगातार अपने अलग अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी लाडली बहनों के साथ पूड़ी बनाते हैं तो कभी राम भक्तों के साथ थिरकते नजर आते हैं। इस बार विधायक शर्मा के भावुक अंदाज को सोशल मीडिया पर भी खूब सराहा जा रहा है। दरअसल विधायक रामेश्वर शर्मा कोलार के वार्ड 80 और 82 में 1.25 करोड़ के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे थे। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का वही पुराना अंदाज सामने आया, अपने भजन मंडली के साथ वे गायन अंदाज में नजर आए। कैलाश के भजनों पर कांग्रेसी महिलाओं ने जमकर डांस किया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राजनीति में मैं गलती से आ गया। इधर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने निजी होटल में ग्रामीण क्षेत्र की बैठक ली। बैठक में राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर, ग्रामीण क्षेत्र के बीजेपी अध्यक्ष राजेश सोनकर सहित बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि राहुल गांधी की उम्र बड़ी हो गई है लेकिन उनकी समझ नहीं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले कि कांग्रेस में जब गुलाम नबी आजाद थे तब उन्हें कांग्रेस ने हाशिए पर रखा, जो मेहमान कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं वो मेहमान ही रहेंगे। इंदौर में हुई संघ की हाई पावर मीटिंग के बाद इंदौर पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कृष्ण मुरारी मोगे से उन्होंने विशेष मुलाकात की। कृष्ण मुरारी मोगे और फग्गन सिंह कुलस्ते के बीच विशेष राजनीतिक चर्चा हुई। बैंक कर्मचारियों से मारपीट मामले में नया मोड़ आया है। बैंक कर्मचारी और विधायक के बीच आपसी समझौता हुआ है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने माफी मांग ली है। सीएम भूपेश बघेल दुर्ग दौरे पर रहे, उन्होंने भेंट मुलाकात अभियान के तहत जिले के वैशाली नगर में मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद भी लिया। इस अवसर पर सीएम बघेल ने कहा कि मिलेट्स कैफे खुलने के बाद अब यहां के लोगों की थाली में पौष्टिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। लोगों को स्वादिष्ट व्यंजन मिलने के साथ ही साथ एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ का सपना भी साकार हो सकेगा। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने मोबाइल पर बात की है। बातचीत के दौरान टीएस सिंहदेव ने बड़ी बात कही।
दरअसल स्वास्थ्य मंत्री का एक बार फिर से दर्द छलका है। सरकार में किनारे रहने की उन्होंने बात कही, कहा कि आप लोगों को न्याय मुख्यमंत्री जी से मिल पाएगा, हम लोग खुद ही किनारे में हैं, आप लोग भी जानते हैं। सिंहदेव ने साथ ही कहा कि हम लोग आपकी बात मुख्यमंत्री जी तक रख सकते हैं, इससे ज्यादा उनकी हैसियत नहीं है। आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही। इसके साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के पास कोई सीएम का चेहरा नहीं है, आगामी छत्तीसगढ़ चुनाव में सीएम के चेहरे पर उन्होंने बयान दिया। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने जशपुर की घटना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कोरवा दंपति की मौत पर प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और भुखमरी से मौत का आरोप लगाया। वहीं सीएम के बयान पर बीजेपी सांसद सुनील सोनी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला किया और कई आरोप लगाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया। कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह के एक बार फिर से बोल बिगड़ गए। पूर्व राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम को उन्होंने अपशब्द कहे, शर्मिला गुप्ता ने थाने में शिकायत की है। जबलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया, थाने के सामने धरने पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यकर्ता की पिटाई के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे और कोतवाली टीआई को हटाने की मांग पर अड़े हुए थे। वहीं हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया। कोतवाली टीआई पर देर रात बजरंग दल कार्यकर्ताओं को पीटने के आरोप लगाए, पुलिस अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कोरोना टीकाकरण अभियान की तर्ज पर इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने आभा कार्ड बनाने के लिए शत प्रतिशत का लक्ष्य रखा है। इसके लिए विभिन्न जगहों पर स्वास्थ्य केंद्रों पर, नगर निगम पर, राशन की दुकानों पर काउंटर लगाए जाएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सके। इसके साथ ही साथ सभी मेडिकल हिस्ट्री को डिजिटल रूप में सहेज कर रख सकें, ताकि समय आने पर सभी तरह की मेडिकल हिस्ट्री के कागज लेकर जाने की जरूरत ना पड़े और आभा आईडी के जरिए ही मरीज को पूरा ब्यौरा मिले। डबरा में कृषि कार्य में उपयोग होने वाले वाहनों का कमर्शियल उपयोग करने के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन लामबंद हुआ। आपको बता दें, इसके लिए डबरा एसडीएम प्रखर सिंह को एक शिकायती आवेदन भी सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कृषि कार्य में उपयोग होने वाले वाहनों के कमर्शियल काम में इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है। पखांजूर के जनकपुर प्राथमिक स्कूल में मासूम बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने बच्चे को डंडों से पीट दिया, गुस्साए परिजनों ने शिक्षिका पर कार्रवाई की मांग की है। रायपुर में गलत तरीके से गाड़ी चलाते एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिस पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। कार्रवाई करते हुए दो पहिया वाहन सवार एक महिला सहित तीन लोगों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया है। दरअसल वीडियो में महिला और व्यक्ति अशोभनीय तरीके से दो पहिया वाहन पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। जबलपुर के रांझी मोहनिया गांधी चौक में शराब दुकान का विरोध देखने को मिला। आक्रोशित महिलाओं ने दुकान में तोड़फोड़ की। कैंट विधायक ने भी महिलाओं को समर्थन दिया है। शराब दुकान में महिलाओं ने तालाबंदी की। नारायणपुर में बिहान कैडर की महिलाओं का आंदोलन जारी है। दूध मुहे बच्चे को लेकर महिलाएं यहां आंदोलन करती दिखाई दी। सैकड़ों महिलाएं अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठी रहीं।
दरअसल ये महिलाएं अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। मांगे पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। बीजापुर में जवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मेगाचल कैंप में पदस्थ जवान की मौत हुई है। सीआरपीएफ 222 बटालियन में ये जवान पदस्थ थे। एसआई के पद पर पदस्थ जवान रविंद्र सिंह सिकरवार की मौत हो गई। मुरैना जिले के गांव सिमरौली का रहने वाला था यह जवान। स्वास्थ्य खराब के दौरान इनको हार्ट अटैक भी आया था। बीजापुर एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने इस घटना की पुष्टि की है। मुरैना में पूर्व विधायक डॉग बाइट के शिकार हुए। पूर्व विधायक सत्यप्रकाश अखबार पर कुत्ते ने हमला कर दिया। जनसंपर्क के दौरान पालतू कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। जशपुर में जंगल से सागौन की लकड़ी की तस्करी का मामला सामने आया। जेसीबी और ट्रैक्टर लगाकर सागौन की यहां पर कटाई हो रही थी। ग्रामीणों के डर से ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल ग्रामीणों ने अधिकारियों को सूचना दी। चुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही शराबबंदी का मुद्दा गर्माता हुआ दिख रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने आ गए हैं। रायसेन में लगभग एक साल के बाद कोरोना की वापसी हुई है। वार्ड नंबर 12 में रहने वाली एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महिला को होम क्वारंटाइन किया गया। महिला में कोरोना के लक्षण दिखने के बाद उसकी जांच कराई गई थी। सिविल सर्जन डॉक्टर ए के शर्मा ने लोगों से अपील की है कि कृपया मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरबा में एसईसीएल मानिकपुर खदान में लोगों ने हंगामा कर दिया। भूस्थापित समेत स्थानीय लोगों ने हड़ताल कर दी। दरअसल ये स्थानीय यहां पर खदान बंद करवाने पहुंचे थे। खदान में वाहनों के पहिए थम गए। भूस्थापित और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग स्थानीय कर रहे हैं। सीहोर में मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी एक समस्या बन गई है, जिससे लाडली बहना योजना का फॉर्म भरवाने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पंचायत के सचिव छत और पेड़ पर चढ़कर नेट कनेक्टिविटी ढूंढ रहे हैं। ऐसा दौर जो कि संचार क्रांति का कहा जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन सुविधा यहां पर बहुत परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इछावर क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में आग लगने की तीन घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना छतरपुर से है, जहां 6 दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे दुकानों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं सिंगरौली में भी राखड़ से लोडेड ट्रक का टायर फट गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। आनन फानन में ट्रक चालक ट्रक से कूदकर उसने किसी तरह से अपनी जान बचाई। वहीं तीसरी आग की घटना श्योपुर जिले के सामने आई, जहां दुकानों में भीषण आग लग गई और 6 दुकानें आग की चपेट में आ गई। मामला विजयपुर क्षेत्र का बताया जा रहा है। ग्वालियर में बब्बर शेर जय की मौत हो गई। गांधी प्राणी उद्यान में उसकी मौत हो गई। 16 वर्ष की उम्र में जय की मौत हुई है। गांधी प्राणी उद्यान में शोक का माहौल बन गया। राजधानी भोपाल में मौसम ने अचानक करवट बदली है। शहर में गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। बारिश के साथ राजधानी में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने बारिश होने की संभावना पहले ही जताई थी। वहीं इंदौर के मौसम में भी बदलाव देखने को मिला। शहर में तेज धूलभरी आंधी चली। धूलभरी आंधी के बाद शहर में झमाझम बारिश भी हुई। मौसम में बदलाव की वजह से मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक 35 वर्षीय महिला 27 साल के युवक के साथ फरार हो गई। फिलहाल पति की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को भोपाल से पकड़ा है। बताया जा रहा है कि महिला अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और पति ने भी महिला से अपने 17 साल पुराने संबंधों को तोड़कर उसे स्वतंत्र कर दिया।
जूनी इंदौर थाना क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट व्यापारी सचिन शर्मा की हत्या मामले में फरार तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इस मामले में कुल चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने व्यापारी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी। हालांकि अब भी दो आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार हैं। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई थी। दरअसल व्यापारी पर हमला करने वाले परदेसीपुरा इलाके के कुछ बदमाश थे, जिनके साथ व्यापारी का विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ट्रांसपोर्ट व्यापारी की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से ही व्यापारियों में खासा आक्रोश था। इंदौर के एमआईजी थाना क्षेत्र की एक नामी होटल में 30 वर्षीय महिला को आरोपी ने पहले मिलने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वहीं महिला ने जब इस मामले में परिजनों से शिकायत करने की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने की भी धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने घर में खुदकुशी करने की कोशिश की तो पिता को इसकी जानकारी ली गई, जिसके बाद थाने में केस दर्ज करवाया। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले दो बाल अपचारियों ने चारपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी खंगाले। इसमें दोनों ही नाबालिग नशे की हालत में दिखाई दे रहे हैं, जहां पुलिस ने दोनों बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया। बेमेतरा में एक बार फिर दो समुदाय के बीच खूनी संघर्ष हुआ है, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र साजा में भर्ती कराया गया, जहां जवान का भी इलाज जारी है। छिंदवाड़ा में एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई। यात्री बस पलटने से 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है यह बस जबलपुर से छिंदवाड़ा जा रही थी। छिंदवाड़ा के घाट परासिया में हादसा हुआ। निवाड़ी में सुबह सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। पृथ्वीपुर तहसील के जोरा मोरा गांव में तेज रफ्तार ट्रक और मिनी ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मिनी ट्रक ड्राइवर की हालत गंभीर बताई जा रही है। खंडवा में नाले में डूबने से दो बच्चों की मौत हो गई। रामनगर नाले में दो बच्चे डूब गए थे। आबना नदी में नाला मिलता है। खंडवा में भाई बहन को तालिबानी सजा दी गई। पेड़ से बांधकर लकड़ी और कोड़े से उसकी पिटाई की गई। भाई अपनी बहन से मिलने पहुंचा था। दरअसल चरित्र शंका को लेकर कुछ लोगों ने भाई बहन को बीच रोड पर रस्सी से बांधकर पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर में एक निगमकर्मी का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ। फ्लैट में तीन दिन से निगमकर्मी धनंजय का शव पड़ा हुआ था। मौके पर शराब भी पाई गई। बताया जा रहा है कि तीन दिन पहले मृतक की पत्नी मायके गई थी। पुलिस ने ज्यादा शराब पीने से मौत की आशंका जताई है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। भिंड कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। दो हथियार तस्कर गिरफ्तार किए गए। बताया जा रहा है आरोपी हथियार खरगोन से लाते थे और भिंड में खपाते थे। 9000 में पिस्टल खरीदकर 20000 में बेचते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस का निरीक्षण किया और स्कूली बच्चों से बातचीत की। पीएम मोदी ने सिकंदराबाद से तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर वायुसेना स्टेशन से सुखोई 30 एमकेआई लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। तीनों सेनाओं की सुप्रीम कमांडर होने के नाते उन्हें सेना की ताकतों, हथियारों और नीतियों से अवगत कराया गया। भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर टकराव देखने को मिल रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति का सुखोई लड़ाकू में उड़ान भरना भारत की तरफ से दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश है।
अडानी होटल टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों को 8.13 रुपए प्रति किलोग्राम और पीएनजी की कीमत को 5 रुपए प्रति घन सेंटीमीटर तक घटा दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अडानी हिंडनबर्ग केस में विपक्ष की जेपीसी की मांग को बेकार बताया। पवार ने कहा कि जेपीसी में सत्तारूढ़ पार्टी का बहुमत होता है, उससे सच्चाई सामने नहीं आ पाती है। इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ही सही विकल्प है। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात के दौरान दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री पार्क जिन ने उनसे हिंदी में बात करते हुए कहा, मुझे इंडिया आकर और आपसे मिलकर खुशी हो रही है। जयशंकर और जिन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत हुई। दोनों समकक्ष नेताओं ने साउथ कोरिया और भारत के बीच रणनीति साझेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। फिल्म भोला लटके झटके खाते बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है। अजय की यह फिल्म कम कलेक्शन करने के बावजूद साल 2023 की तीसरी सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन चुकी है। आदित्य रॉय कपूर के डबल रोल वाली फिल्म गुमराह 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। गुमराह ने पहले दिन महज 1.5 करोड़ का कारोबार किया। नानी की फिल्म दसरा वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ रुपए कमा चुकी है। इंडियन बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने अपनी लागत से ज्यादा कमाई की। मलाइका अरोरा को हाल ही में उनके घर के बाहर ऑल वाइट लुक में स्पॉट किया गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुष्पा राज में झुकेगा नहीं साला, इस डायलॉग और फिल्म से पैन इंडिया स्टार का खिताब जीतने वाले अल्लू अर्जुन का आज 41वां बर्थडे है। साउथ एक्ट्रेस सामंता रूथ प्रभु इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म शाकुंतलम के प्रमोशन में बिजी हैं। इसी बीच मुंबई में सामंता रूथ प्रभु कैमरे की फ्लैश लाइट से परेशान होती नजर आई। फिल्म किसी का भाई किसी का जान के मेकर्स ने नया पोस्टर रिलीज किया। रिलीज किए गए इस पोस्टर को भाईजान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया। पुष्पा 2 का टीजर आउट हुआ। टीजर से पता चलता है कि अर्जुन का अलग और डबल रोमांचित करने वाला किरदार देखने को मिलेगा।